दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में ऐसे कॉइन्स की बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 मेटावर्स से जो कॉइन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जो मेटावर्स जो भी कॉइन है, जितने भी कॉइन है, वो मार्केट में धूम मचा रहे हैं। यानी कि कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने परसेंट ऊपर जा रहे हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में और नई नई अपडेट ले सकते हैं। दूसरी बात की अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन की घंटी को ज़ोर से बजाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो टोकन्स की अगर बात करेंगे, जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी जो समथिंग, अगर कोइन मार्केट कैप के हिसाब से अगर बात करते हैं तो समथिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोइन मार्केट कैप पे 26 नंबर पे हैं और अभी जो प्राइस है इसकी समथिंग काफ़ी लो है, समथिंग 130 डॉलर के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो इसकी सप्लाई है वो भी काफ़ी कम है, समथिंग 23% सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड हुई है। और ये जो टोकन समथिंग सभी एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाएगा, बड़े से बड़े एक्सचेंज के ऊपर। और यहाँ पे ये भी एक मेटावर्स जो टोकन है, और यहाँ पे आप बाइनांस लॉन्च पैड यानी कि एनएफटी के तौर या फिर गेमिंग के तौर पर ये प्लेटफॉर्म जो है ये यूज़ किया जाता है ये टोकन्स। ठीक है, तो अब ये बात हो गई जिसकी प्राइस है समथिंग 130 डॉलर के आसपास, जो काफ़ी अभी लो है। समथिंग कल की अगर बात करते थे यहाँ पे 140 डॉलर के आसपास था, और ऑल टाइम अगर हाई की अगर बात करते हैं तो समथिंग ऑल टाइम हाई यहाँ पे 160 डॉलर के आसपास था, जो अभी यहाँ पे प्राइस जो है समथिंग 125 डॉलर हैं, जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो बात करेंगे इससे दूसरा जो टोकन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी उम्मीद अच्छी खासी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड माना, जैसे कि अभी जिसने सोचा भी नहीं होगा उस तरह से इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक 0. यानी कि 2020 में तो इसकी प्राइस काफ़ी लो थी, आधे सेंट्स के आसपास, 0.05 सेंट्स के आसपास। और 2020 में लगभग अगर 21 की अगर बात करते तो आधे डॉलर के आसपास माना की प्राइस यहाँ पे थी, समथिंग 10 से 1 महीने पहले की बात करता हूँ। इसके बाद में ये अचानक इतना पंप हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो सप्लाई है समथिंग 1.82 बिलियन है, जो आप चेक कर सकते हैं। जो माना कॉइन है ये भी एक पेमेंट और गेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो समथिंग इथेरियम एंड ये दूसरे ब्लॉकचेन, दो ब्लॉकचेन के ऊपर ये अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये अवेलेबल है। ठीक है, दो कॉइन हो गए। अब तीसरे कॉइन की बात करेंगे कि मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर स्टारलिंक, जैसे कि स्टारलिंक मैंने अभी समथिंग मैंने भी यहाँ पे होल्ड किया है, जैसे कि आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रैंक की अगर बात करेंगे, ये एक मेटावर्स टोकन है जो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टैग लगा हुआ है वीव ऑल, यानी कि जो समथिंग इनकी जो सप्लाई है 100% सप्लाई हो चुकी है, लगभग 10,000 बिलियन की सप्लाई है जो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये कॉइन की अगर इंडियन करेंसी के ऊपर अगर बात करते हैं तो काफ़ी सस्ता है, जो आप चेक कर सकते हैं। और जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ये मार्केट में ग्रोथ ही कर रहा है, यानी कि अब जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, जो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं अगर इंडियन करेंसी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी लो हैं, और आपके पास अगर 2, 5, 10 डॉलर हैं तो आप 1-2 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों की अगर बात करेंगे तो ये जो कॉइन है आने वाले दिनों में लगभग अगर 1-2 साल की अगर बात करते हैं, भले 10 डॉलर का अपना यहाँ पे रिक्स रहेगा, और 10 डॉलर में हम यहाँ पे लगाते हैं तो अपना प्रॉफिट जो होगा लगभग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते इस कॉइन की स्टारलिंक की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 0.004 पैसे का है, 4.7 ये पैसे का है, यानी कि पैसे से भी कम। ठीक है, तो ये आपके पास एक मौका है, इससे अगर आप चूक जाते हैं तो आप यहाँ पे बाद में कोई मतलब यहाँ पे आपका बचता नहीं है। अगर स्टारलिंक की बात करेंगे तो आप इसके
कोइन मार्केट कैप के ऊपर जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम नहीं करता है स्टारलिंक। और स्टारलिंक में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टार मेटावर्स से विल एक्ट गेमिंग लॉन्च पैड में ये टोकन्स काम आता है, जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो इनका यहाँ पे बनाया है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम नहीं करेगा, टोकन्स जो हैं आप यहाँ पे ले के अपनी रिक्स के ऊपर इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो टोकन्स की जो प्राइस है काफ़ी लो थी, जब से मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 0.007 पैसे के आसपास, और ऑल टाइम जो लो था समथिंग 52 वीक पहले, यानी कि 1.5-2 महीने पहले, सॉरी समथिंग काफ़ी समय पहले, अगर 90 दिन पहले की अगर बात करते हैं तो 90 दिन पहले की प्राइस में अभी आपको यहाँ पे उससे भी कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ओल्ड टाइम हाई की बात करते हैं तो ओल्ड टाइम लो से 4 महीने पहले था 0.00034 पैसे का, और यानी कि 13,900% का इस टोकन ने ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो दोस्तों ये बात हो गई, अब बात करते हैं नेक्स्ट टोकन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन यानी कि चौथे नंबर कॉइन की। यहाँ पे आप कॉइन को चेक कर सकते हैं जिसका नाम है मेडा। मेडा कॉइन अगर बात करेंगे इस कॉइन की तो समथिंग कॉइन मार्केट कैप पे 806 नंबर पे अवेलेबल है। टोकन की जो वॉच लिस्ट है समथिंग 14,600 के आसपास इसकी वॉच लिस्ट है। समथिंग सप्लाई की अगर बात करते हैं तो सप्लाई भी यहाँ पे काफ़ी कम सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। समथिंग यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये जो टोकन है BAPE20 के ऊपर है, यानी कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर वर्किंग करता है। और इस टोकन का जो एड्रेस है आपको कॉइन मार्केट कैप सर्च करके, मेडा कॉइन सर्च करके इस टोकन का जो एड्रेस है आप निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं तो इन कॉइन की, ये भी एक मेटावर्स है जो कॉइन है जो गेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, प्ले एंड ईरान के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ऑल टाइम अगर हाई की बात करेंगे तो यहाँ से अगर ज़्यादा इसने ज़्यादा प्रमोस मतलब ज़्यादा ऊंचा गया नहीं है, यानी कि समथिंग ऑल टाइम लो से समथिंग 257% ये अप है, जो काफ़ी कम है। ठीक है, 2 महीने पहले इसने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट किया था, 2 महीने से ये कॉइन यहाँ पे अटका हुआ है, तो ज़्यादा अप नहीं गया, तो अपने पास एक मौका है इस कॉइन को होल्ड करने का। तो दोस्तों ये बात हो गई। अगर बात करते हैं इस टोकन की तो आप यहाँ पे जाके कॉइन मार्केट कैप पे इसका जो डाटा है वो वॉच कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। परचेज इन गेम आइटम प्लस मतलब के मेडा बोट्स, यानी कि यहाँ पे जो कॉइन है NFT बना सकते हैं, रेफरिंग फ्रेंड, यानी कि आप किसी भी तरह में इसमें काम कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसकी एक समथिंग गेमिंग में यूज़ होता है, बोट में यूज़ होता है, यानी कि मल्टीप्लेयर लॉन्चिंग, iOS, एंड्रॉयड, यानी कि ये सब चीज़ों में ये कॉइन यूज़ होता है। इसमें आप फ्री में यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर बात करेंगे मार्केट की तो मार्केट में एल बैंक एंड पेनकेक स्वाप पे ये उपलब्ध हैं। चलो दोस्तों लास्ट कॉइन की अगर बात करते हैं तो लास्ट कॉइन की बात कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों लास्ट कॉइन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं, लास्ट कॉइन जो है वाइब है और समथिंग कॉइन मार्केट कैप पे 1336वीं रैंक के ऊपर उपलब्ध हैं। और अगर बात करेंगे करंट प्राइस की तो 1.60 रुपये के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये बात करेंगे इथेरियम बेस्ड टोकन है और मेटावर्स जो टोकन है समथिंग गेमिंग, और इसमें भी ये टोकन्स यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 3 महीने के चार्ट या फिर 1 महीने का चार्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अगर बात करेंगे समथिंग 97% सप्लाई हुई है और ऑल टाइम अगर हाई की इसकी बात करते हैं तो 7 रुपये तक ये मार्केट में इसने ट्रेड किया था, जो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड भी है। अगर 1 मंथली अगर 1 मंथ पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1 रुपये ट्रेड कर रहा था, और अगर अभी की बात करते हैं 20 दिन के बाद में तो ये समथिंग 3.5 रुपये के आसपास से ट्रेड करके वापस नीचे ये आया है।
अगर टोकन्स की अगर बात कर दे ओल्ड टाइम लो की, तो ओल्ड टाइम लो से ये काफ़ी 9 महीने पहले था, समथिंग 0.14 पैसे के आसपास। और यहाँ पे ओल्ड टाइम अगर हाई की अगर बात करेंगे तो जनवरी 2010, 4 साल पहले इसने 200 रुपये का भी रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिक्स भले हमारे को यहाँ पे लगती हैं, परंतु पैसा अपना जो है समथिंग थोड़ा 1x या फिर 1.5x या फिर 2x 3x होने का भी चांस यहाँ पे रहता है। अगर 30 दिन पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे समथिंग 14 रुपये के आसपास इसने ट्रेड किया था। और 30 दिन पहले की बात यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और 7 दिन पहले की अगर बात करते हैं तो 5 रुपये पे इसने यहाँ पे ट्रेड किया था। दोस्तों इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोइन मार्केट कैप के ऊपर जाके, अगर आप यहाँ पे चेकते हैं देखते हैं तो आपको यहाँ पे 24 आवर्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो 3 मंथ पहले की अगर 1 ईयर पहले की अगर देखते हैं तो यहाँ पे समथिंग सेकंड मंथ में, यानी कि 5-6 महीने पहले ये वापस 5 रुपये से नीचे आया था। और अभी जो ट्रेड कर रहा है एक सपोर्ट लेवल पे, ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मार्केट की अगर बात करते हैं तो मार्केट में समथिंग हिट BTC या फिर यूनिस्वाप से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्स थोड़ा यहाँ पे है, क्योंकि ट्रांजेक्शन फीस से जो काफ़ी हाई है। और यहाँ पे अगर अदर एक्सचेंज पे अगर ये टोकन्स अगर आता है तो आपको आने वाले दिनों में इसकी जो प्राइस है समथिंग 20 से 30 रुपये तक आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर करिए। जो मैंने बताए थे उसमें से समथिंग आप अगर सस्ते सस्ते टोकन भी मैंने यहाँ पे बताए थे मेटावर्स से जो टोकन्स हैं, इसके अलावा आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं। रेडियो काका, आपको जो ये टोकन्स है समथिंग मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक बंदे के पास समथिंग 24 लाख के आसपास इसके पास टोकन है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 80, 88, 88 पैसे के ऊपर गया था, और मैं इसको देख रहा था ओल्ड टाइम लो की अगर बात करते तो 18 रुपये के आसपास इसने, 18 पैसे के आसपास इसने ट्रेड किया था। 2 ब्लॉकचेन के ऊपर उपलब्ध हैं, इथेरियम एंड बाइनास। अगर बात करते हैं मार्केट की तो समथिंग बड़े से बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये आपको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ये बात हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने ये टोकन्स लिया था, मैंने कितने में लिया था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और मैंने यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। समथिंग यहाँ पर इनके पास होल्डिंग है, समथिंग आप चेक कर सकते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पर इन्हें इसने कॉइन ने मोमेंट भी यहाँ पर अच्छा खासा लिया था। अगर वैलेट की अगर बात करते हैं, $9 का मैंने लिया था आज से समथिंग, अगर बात करिए 10-2 ओके 10वें महीने की मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये वाला $9 का $120 हुआ, और $30 का यहाँ पे $96 हुआ। अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह समथिंग 0.012 सेंट्स के आसपास गया था, और मैंने इसको सेल नहीं किया क्योंकि मेरे को इसको बेचना नहीं था, सेल करना नहीं था, इसके लिए मैंने इसमें होल्डिंग रखी हुई है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल को। धन्यवाद।